वेलकम बैक टू सार टेक्निकल गाइस। गाइस आज हम बात करने वाला है एक एयर ड्रॉप के बारे में जो कि बहुत दिनों से चल रहा है, एपीई एनएफटी। ठीक है, एक एनएफटी प्रोजेक्ट है और इसमें आपको कुछ पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, अब क्यों चाहिए वो भी बोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये एयर ड्रॉप पूरी वेरीफाई किया एंड काफ़ी दिनों से मैं एयर ड्रॉप को वेरीफाइड करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एपी एनएफटी के ट्विटर पेज पर आया, यहाँ पर देख सकते हो 137K फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये एक एनएफटी प्रोजेक्ट है। ओके, और ये अभी एयर ड्रॉप्स 2-3 साल तक और चलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मई 17 मई को एक अनाउंसमेंट किया था जहां पर ये बोला गया था कि हर मतलब महीने की 10 तारीख को एक स्नैपशॉट लेंगे। उस स्नैपशॉट में आपको एयर ड्रॉप्स की कॉइन जो कि एपीई एनएफटी कॉइन शॉर्ट फॉर्म है एनएफटी कॉइन जो कि आप में आपको देंगे। ठीक है, तो मैं वो दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है। यहाँ पर कोई रेफरेंस सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ पैसा लगाना है एंड कॉइन होल्ड करना है 2 साल 3 साल तक। उस कॉइन को होल्ड करके रखेंगे तो आपको एपी एनएफटी कॉइन मिलने वाला है। एनएफटी यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएंगे एपी एनएफटी। मैंने ऑलरेडी यहाँ से कुछ टोकन खरीद कर रख दिया है फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, ये देखिए एनएफटी जो कि शॉर्ट फॉर्म बहुत ही लाजवाब है एनएफटी, ये आगे जाके बहुत ही हिट करेंगे क्योंकि एनएफटी मार्केट को ये पूरा कैप्चर कर लेगा। और एपी एनएफटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो क्रिएटर्स होते हैं ना, जो एनएफटी बनाते हैं, जो आर्ट के काम करते हैं, अंकन अंकन के काम, ठीक है, आर्टिस्ट जो होते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए एनएफटी एपी एनएफटी लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पर इसकी रेट पूरी एनालिसिस चार्ट देख सकते हो, इसका रेट अभी डंप जा रहा है, आप चाहे तो खरीद कर रख सकते हो। यहाँ पर 31% माइनस है 24 आवर्स में, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो चलिए काम किस तरह से करना है, यहाँ पर देखिए ट्विटर का पेज है ये, और इस ट्विटर के पेज के ऊपर मैंने क्या किया, इसकी जो लिंक है पिन पोस्ट के लिंक, इसको क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अनाउंसमेंट में ये बोला जा रहा है कि अगर आप ट्रॉन कॉइन को होल्ड करते हो या फिर TUSD, इथेरियम, बिटकॉइन, ओके, BTT कॉइन, JST कॉइन को होल्ड करते हो अपने वॉलेट में, तो आपको APENFT टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 100 TRX को होल्ड करेंगे तो मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर JST 100, BitTorrent जो है यहाँ पर जी 2000 का BitTorrent होल्ड करेंगे अपने वॉलेट में तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर TRC20 0.002, तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप 100 TRX की वैल्यू बहुत ही कम है, आप चाहे तो लगा सकते हो। मैं 100 TRX की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर coinjiko.com पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको TRX, जी TRX आ गया यहाँ पर। फुल प्रोसेस देखना, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करो, नहीं तो आप समझ में नहीं आओगे। ठीक है, यहाँ पर 100 TRX की वैल्यू तकरीबन 450 रुपीज़ है। ओके, जो कि बहुत ही कम है, आप चाहो तो लगा सकते हो। आप लगाना कैसे है मैं फुली दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आप कौन कौन एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है ये देख लीजिए। ओके, तो वो तो समझ में आ गया किन किन कॉइन कितना का क्वांटिटी में होल्ड करना है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हुओबी है, बाइनांस है, जो कि बड़े बड़े एक्सचेंज उसके ही नाम ले रहा हूँ, वो भी बाइनांस, उसके बाद पोलोनिक्स। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे एक्सचेंजेस है, इसने तो मैं यहाँ से रिकमेंड करूँगा आप वो भी बाइनांस या फिर पोलोनिक्स पर लगा सकते हो। आई हैव रिकमेंडेड टू यू बाइनांस और पोलोनिक्स, तो सबसे पहले मैं पोलोनिक्स पर ही लगाऊंगा क्योंकि ये मैं 2014 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सचेंज है जहाँ पर मैं ट्रेडिंग सीखा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप इसकी साइन अप नहीं किया है तो बिलो डिस्क्रिप्शन में इसका साइन अप का प्रोसेस लिंक दे दूंगा, किस तरह से आपको एक्सचेंज में साइन अप करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, तो जैसे ही साइन अप कर लेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेंगे, KYC कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो तो भी आ जाएंगे, वॉलेट में आ जाओ। ठीक है, वॉलेट में जैसे आएंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास तो ट्रस्ट वॉलेट में BSC है, BSC BNB, तो BSC BNB इसको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो BSC BNB में सेंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो डिपॉजिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च में करना है BNB। ओके, तो BNB पर देखो एसेट आ गया, इस एसेट के ऊपर क्लिक करो। ओके, तो डिपॉजिट ऑन बाइनांस कॉइन, डिपॉजिट ऑन बाइनांस स्मार्ट चेन, यहाँ पर दो राशि दिए गए हैं, इन दोनों राशि में से आपको अगर BNB का जो एड्रेस होता है
बीएनबी से चालू होता है और बीएससी बीएनबी का एड्रेस 0x से चालू होता है। तो मैं स्मार्ट चेन से मैं सप्लाई करूँगा, सेंड करूँगा, तो इसलिए मैं ट्रस्ट वॉलेट से कर रहा हूँ। आप चाहे तो क्या करेंगे, आप बाइनेंस से भी कर सकते हो, ठीक है। बाइनेंस से यूएसडीटी बाई करके ओके उस यूएसडीटी से आप टीआरएक्स होल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ अपनी जो बीएससी है, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, सिर्फ मैं $10-12 ही लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्कैन कर लिया मैंने, उसके बाद एक बार एड्रेस को देख लेते हैं, 0x236 ओके। तो मैंने जी यहाँ पर एड्रेस सेंड कर दिया हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा 0.002 जी, मैं यहाँ पर 0.045 $14 लगा देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ अभी, मैं बीएससी बीएनबी सेंड कर रहा हूँ उसे वॉलेट में ओके। तो ये मैंने सेंड कर दिया और कुछ ही देर में वो मेरे ओलोनिक्स अकाउंट में चला जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेंड बटन पर क्लिक कर दिया यहाँ से ओके। तो ये मेरा बीएनबी एड्रेस है जो आपने देख लिया, बीएससी बीएनबी से सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास बीएनबी है तो यहाँ पर सेंड करेंगे, अगर आपके पास बीएससी बीएनबी है तो यहाँ पर सेंड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा अभी, जब देखिए मेरे कुछ ही देर में मेरे पास बीएससी बीएनबी आ जाएंगे, उस बीएससी बीएनबी को। सो गाइस, ये मेरा बीएससी बीएनबी आ गया है, तो मैं क्या करूँगा अभी, इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। सेल करके मैं यूएसडीटी लूँगा एंड उस यूएसडीटी से मैं टीआरएक्स और बिट टोरेंट ले लूँगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें बी एन बी बी यू एस डी टी यहाँ पर सर्च कर लेना, बी एन बी इसकी पी आर देख लो, बी एन बी बी यू एस डी। मैं क्या करूँगा, इससे यू एस डी टी लूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा ये कर देते हैं, सेल की बटन पर बाई सेल, सेल की बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा 317-19-300 यहाँ पर क्लिक करो एंड यहाँ से 100% कर लो, तो यहाँ पर मेरे को $14 मिलेंगे। मैं इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेल की बिट लग गई है एंड कुछ ही देर में ये सेल हो जाएंगे ओके। तो यहाँ पर बाई के बटन पर क्लिक करके देख लो जी, अभी सेल नहीं हुआ है। सो गाइस, ये तो सेल हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 200 TRX खरीद लूँगा, TRX ओके। अगर आपके पास मनी है USDT या फिर कुछ भी कॉइन तो आप ले सकते हो। तो TRX USDT पेयर में सर्च कर लेता हूँ यहाँ से ओके। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेट देख सकते हो 614 ये वाला रेट, ठीक है। इसके रेट पर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए 100 TRX ओके। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कितना TRX का क्वांटिटी दिया गया था जी, 100 TRX होगा तो हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पोलोनिक्स पर आते हैं एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 110 TRX ले लेते हैं ओके। एंड 110 TRX का कीमत तकरीबन तकरीबन $60 है, रेट बहुत ही फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस रेट के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेट फ्लैक्चुएट हो रहा है, चलिए मैं इसको सिंपली बाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ओके। तो बाई के ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी ऑर्डर लग जाएंगे और यहाँ से मैं बिट टोरेंट ले लेता हूँ ओके। बिट टोरेंट का आप चाहे तो एक कॉइन ले सकते हो, मैं दो कॉइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बिट टोरेंट की ज़रूरत है। आप चाहे तो TRX होल्ड करके आप यहाँ से एपी एनएफटी अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेट पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2000 का कॉइन चाहिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2500 करके देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल कितना है, 3000 ले लेते हैं या फिर यहाँ पर 100% क्लिक कर देते हैं ओके। तो मेरे पास 2900 आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से मेरा ऑर्डर लग गया, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो, ऑर्डर अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से ऑर्डर आपको रिमूव करके न्यू प्लेस पर, अगर रेट बढ़ जाता है तो न्यू प्लेस पे लगाना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख लो एक बार, टाइम बहुत कम है, मेरे को TRX मिल गया 112 एंड बिट टोरेंट जो कि 2900, ठीक है। तो 100 TRX अगर मिल जाता है तो आप इस एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जहाँ पर आपको हर 10 तारीख को 2024 तक आपको कुछ ना कुछ NFT कॉइन मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो कॉइन है एपी NFT कॉइन, ये मिलते रहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट है, आप चाहे तो यहाँ पर $10-15 लगाकर, 10-15 नहीं, $5-6 लगाकर एपी NFT कॉइन अर्न कर सकते हो गाइस। तो आई होप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पर्सनल में आओ, समझा दूँ।